हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच नी आइडल। दोस्तों डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म कल्की स्टारिंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, द गॉड ऑफ एक्टिंग कमल हसन, 100 करोड़ ओपनर प्रभास अलोंग विद दीपिका पादुकोण एंड दिशा पतानी। अब इस फिल्म का ट्रेलर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इवन आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेलर, फाइनली ट्रेलर आ गया और लोगों ने देखा, मैंने भी देखा ट्रेलर। द ट्रेलर इज अमेजिंग, जबरदस्त VFX है और साइंस फिक्शन फिल्म है और मतलब पुराने जमाने की भी कुछ बताई है और नए जमाने के आने वाले कल सब कुछ बताया है। तो ये किस तरह की फिल्म है, जब फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगा। पर ट्रेलर इज अमेजिंग, दमदार ट्रेलर है, एकदम भारी VFX के साथ। तो आई लव द ट्रेलर एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच बच्चन साहब, कमल हसन एंड प्रभास इन वन फिल्म इन वन फ्रेम। ट्रेलर शुरू होता है बच्चन साहब के साथ, तो एक ही रक्षक है, मैं बचा हुआ है। ट्रेलर शुरू होता है उनका जो सुप करके आते हैं बच्चन साहब, चार पांच लोग उठा के फेंकते हैं। अरे सुपर काम किया है, मतलब 82 इयर्स में इस टाइप का रोल करना इज वेरी वेरी बिग थिंग। और ट्रेलर खत्म होता है और कमल हसन दे डरो मत एक नया युग आ रहा है, और बीच में द 100 करोड़ ओपनर प्रभास ने जो एंट्री मारी है, मैं कभी भी एक भी फाइट हारा नहीं, चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर लो। रिकॉर्ड चेक कर लो दोस्तों, प्रभास हमें कोई टिका ही नहीं अभी तक। लास्ट फिल्म सलार समय में देखा डंकी नहीं टिक पाई थी, तो एक्चुअली वो बोला था रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं कभी कोई फाइट नहीं हारा, मेरे सामने जो भी है उसे कछु में निकाल देगा भाई। तो द ट्रेलर इज अमेजिंग और बीच में दीपिका पादुकोण एंड दिशा पतानी दे ऑल्सो गुड सपोर्ट। लेकिन बच्चन साहब का जो लुक है, जो उनका जो सीन्स बताए वो डेट इज एक्चुअली अमेजिंग, मतलब सुपर यार, मजा आ गया है बच्चन साहब को देख के। अपन राकेश शर्मा कमल हसन को देख के मजा आ गया। ऑफकोर्स प्रभास तो पिक्चर के मेन लीड है, लेकिन मुझे लगा कि बच्चन साहब और कमल हसन का सिर्फ थोड़ा ही रोल रहेगा, लेकिन आई थिंक दे गॉट मतलब काफी रोल है उनका, ज्यादा से ज्यादा मतलब मजा आएगा ऑडियंस को। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था 1985 में गिरफ्तार नाम की फिल्म आई, जहाँ गॉड्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बच्चन साहब, रजनी साहब एंड कमल हसन साहब को तीनों को एक फिल्म में देखने लगी। इट वॉज अ ट्रीट फॉर हिज ऑल द फैंस, ऑल द मूवी लवर्स। सेम थिंग 27 जून को होने वाला है, इट्स अ ट्रीट फॉर ऑल द मूवी लवर्स, ऑल द फैंस, मतलब बच्चन साहब, कमल हसन और प्रभास को एक फिल्म में देखना। पिक्चर कैसी भी हो, इनको तीनों को देख के पैसा वसूल हो जाएगा, लेट्स फॉर श्योर। मतलब मेरा तो पैसा वसूल ट्रेलर देख के हो गया, मतलब इन तीन महारथियों को एक फिल्म में देखना, स्पेशली बच्चन साहब एंड कमल हसन इन दोनों को एक फिल्म में साथ में देखना, जो रियल फिल्म लवर है उसको पता है व्हाट इज दैट मींस एक्चुअली। सो फॉर मी कल्की इज अ सुपर हिट। देखते हैं जब फिल्म रिलीज होती है तो लोग कितना इसे पसंद करते हैं। यही फिल्म हॉलीवुड में बनती ना, हॉलीवुड वाले बनाते ना, और ये सेम ट्रेलर तो इंडिया वाले आह क्या ट्रेलर है, लेकिन अभी इसकी बुराई करेंगे क्योंकि इंडिया में बनी है ना, इंडिया वाले इंडिया की बुराई करते हैं। जैसे बीजेपी का रिजल्ट देख रहा ना, अभी इलेक्शन हुआ, कौन सी कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी को ही मार दिया, ऐसी बात हो गई। तो ये यही बात है इंडिया में, यही ट्रेलर यही फिल्म हॉलीवुड वाले बनाते, बड़ा फिल्म कहीं बना नहीं सकता इंडिया वाले इसे, क्योंकि इंडिया वाले बनाएंगे तो दस बुराई करेंगे साले। पर व्हाटएवर, कल्की सुपर हिट, 100 करोड़ अपना प्रभास, देखते कल्की के सामने कौन डिस्क करता है, उसकी खाल निकल जाएगी। तो बच्चन साहब, कमल हसन एंड प्रभास, कल्की, द ट्रेलर इज अमेजिंग, आई एम श्योर द फिल्म आल्सो इज सुपर हिट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 27th of June। टिल देन कीप वाचिंग माय चैनल अबाउट द मैच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।